शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैंने केशव और बहुरिया को देखा। जी जी हाँ। भाभी, हमें आपको बहुत जरूरी बात बताना था। अरे कितनी बार समझाया है तुम्हें, हमें नहीं चाहिए अपनी आंखों की रोशनी वापस। अगर आप दोनों को दुनिया नहीं देखनी है तो ठीक है, अब से हम भी दुनिया नहीं देखेंगे। हमारी बात सुनो बेटा, गाड़ी लग जाएगा बेटा। श्रवणी बेटा कुछ बोल, क्या नहीं रही बेटा, ठीक हो ना? माँ बाबा कहीं लगी तो नहीं बेटा? हम ठीक है। खबरदार अगली बार कुछ ऐसा किया तो। हे बेटा, अगर तुमको कुछ हो जाता तो क्या करते हम लोग? चलो हमसे वादा करो कि अगली बार तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। पहले आप हमसे वादा कीजिए कि अपने इलाज के लिए लखनऊ जाएंगे। जाएंगे बेटा। बेटा हम चले जाएंगे। हम लोग जाएंगे जाएंगे। ये हुई ना मीठी वाली बात, ये लो आकर गुड़ खाकर। मां माँ पापा मान तो गए, लेकिन मैं 1,00,000 रुपए कहाँ से लाऊंगी? मम्मी मम्मी, भैया ने मेरे सारे खिलौने जला दिए। जला दूंगा, सारे खिलौने जला दूंगा। अगर हमें हमारी गुड़िया नहीं मिली तो इस घर में कोई चीज नहीं बचेगी। बेटा, हम तुम्हारे लिए दूसरी गुड़िया ले आएंगे, जाओ अपने कमरे में। भगवान कसम बहना, तेरा बेटा ने एकदम तेरे ऊपर गया है। पलटी दी बजा दी सबकी घंटी। बहुत बकर बकर करते हो तुम, जाओ उस लड़की को ढूंढ कर लाओ और कल तक हमें वो लड़की इस घर में चाहिए, वरना अपनी ये शक्ल ना दिखाना। जाओ। भगवान जी, हम माँ बाबा के इलाज के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? आप ही कोई जादू करके हमें फिर से प्रेस कर दीजिए ना। दीदी भी पता नहीं कौन सा ब्रांड का बूटी सूंघे रहती है। इतना बड़ा शहर में इतनी छोटी सी बच्ची को कैसे ढूंढे हम? मजाक है का? उसके पहाड़ में जो सुई ढूंढ ले वो है मेरे। मिल गई, मिल गई। मम्मी बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ। तो मैं बट 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 गलती से, गलती से, गलती से हो गया। बच्चे काम लाए ना, काम क्या जा रहा है? भैया गलती से काम लिया, भैया भैया गलती से हो गया, भैया गलती से, भैया भरोसा रखो, अरे भैया गलती से हो गया, भैया कुछ घूम नहीं।
जाइए, आ जाओ उठो। एक बारी लड़की मिल जाए ना तो इस चोट का, इस दर्द का पूरा पूरा का पूरा भरपाई करेंगे। ना ठीक है। अंधी हो गई है क्या? ध्यान कर रहे थे तेरा जी, हम तो बस आपकी। चुप, एकदम चुप। इधर मनुष कहीं की, एक तो हमारे सारे कपड़े खराब कर दिए, ऊपर से जबान लड़ा रही है हमसे। कितनी बार कहे आपने मनुष शक्ल मत लेकर आया कर मेरे सामने, फिर आ जाती है। अरे आज तक एक बच्चा तक तो दे नहीं भाई तू हमें, बहुत ही चमड़ी, पूरा दिन खराब कर दिया। अच्छा है ऐसी आग लगी रहे, हवेली भी रोशन रहती है और सब काबू में भी रहता है। भाभी आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। बहुत अच्छे मूड में है, बहुत ही अच्छा सीन देखे, अगर मजा खराब किया ना तुम्हारा महीना खराब कर देंगे। वैसे बात तो है कमाल की भाभी, हम खुद अपने कानों से सुने ना भाभी, अम्मा पंखुड़िया को बोल रही थी कि उन्होंने केशव भैया और उनकी पत्नी को देखा है। कहाँ? बैठ। अरे इतनी तो कोई लगी भी नहीं है। अब बताओ क्या आप हमें क्यों ढूंढ रहे थे? हाँ, हम तुमको अपने साथ हमारे हवेली लेकर के जाना चाहते हैं। तुम्हें तुम्हें नौकरी देना चाहते हैं, काम देना चाहते हैं, और कुछ करना वरना नहीं है तुमको, सिर्फ और सिर्फ हमारे भांजे के साथ खेलना है बस। फिर हम अपने माँ बापा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अरे सुनो 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 सुनो, इधर 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 हमारे साथ बैठो, हम तुमको समझाते हैं। सुनो हमारी बात समझने की कोशिश करो। हमारी दीदी ने ना तुमको वहाँ उस दिन छाकी में देखा था ना, जब तुम दुर्गा मैया बनी हुई थी, तुम उनको बहुत पसंद आई थी, तुम पर बहुत प्यार आया था उनको, और वो चाहती कि हम तुमको लेकर के अपनी हवेली चलें और तुम हमारे भांजे के साथ खेलो, बस इतना सा बात है। क्यों, आपके भांजे का कोई दोस्त नहीं क्या? हे भगवान, ये तो सच में बोलने वाली गुड़िया है, ऐसे तो नहीं मानने वाली, कुछ तो पट्टी पढ़ानी पड़ेगी वीरेन बाबू इसको। हमारा जो भांजा है ना वो बहुत सीधा साधा है, प्यारा सा है, शांत सा है, इतना शांत है कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। कहाँ है हमारी गुड़िया, हमें अब तक क्यों नहीं मिली? कहाँ है हमारी गुड़िया? हमारा भांजा बहुत ही मासूम, भोला भाला, सीधा साधा बच्चा है, और उसे तुम्हारे जैसे प्यारे मासूम बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। हमारी गुड़िया हमें चाहिए, हमारी गुड़िया कहाँ है? हमारे भांजे को ना एक बहुत ही तगड़ी वाली बीमारी है, वो जैसे ही हवेली से बाहर निकलता है ना बीमार पड़ जाता है, इसीलिए वो हवेली में ही रहता है। वो अपने दोस्तों को बोलता है आओ कभी हवेली पे, आओ कभी हवेली पे, लेकिन कोई नहीं आता। बेचारा बहुत अकेला पड़ गया है वो, इसीलिए हम लोग चाहते हैं, हमारी दीदी चाहती हैं कि तुम्हारे जैसी मासूम बच्ची जब उसके साथ हवेली में खेलेगी तो वो ठीक हो जाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ एक आध महीने की तो बात है। पैसे तो हम आपकी मदद कर देते, पर हम अपने माँ बापा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में हमारे अलावा उनका कोई भी नहीं, इसलिए हम नहीं करेंगे। मुँह मांगे पैसे मिलेंगे तुमको,
दवाइयाँ और वहाँ रहने का जो खर्च है उसके पैसे लगेंगे, सब कुछ मिलाकर 1,00,000 खर्च हो जाएगा। एक लाख रुपए देंगे हमें? 1,00,000 रुपए में कितना जीरो होता है तुमको पता है? हैं? नहीं मालूम? बहुत तेज बच्ची है। अच्छा हुआ तुमने हमसे हमारा हवेली नहीं मांग लिया। जितना चाहिए था हम उतना ही मांगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। बोलिए देंगे हम? दिए। दिए तुमको 1,00,000 रुपए खुश। थैंक यू भगवान जी, आपने हमें फिर से प्रेस कर दिया। ठीक है, हम आएंगे आपकी हवेली में और खेलेंगे आपके भांजे के साथ। जय भगवान तुम हो। पर आपको हमारा एक काम करना होगा। अब क्या चाहिए तुमको? हम क्या बताएं आपसे, आंगनबाड़ी चाहिए तो आए हम। अस्पताल से पता चला कि आप दोनों लोगों का बल्ब जो है वो बुझा हुआ है, तो आ गए हम आप लोगों का मदद करने के लिए। हमारा तो नेचर ही ऐसा है, मतलब एकदम द्रविड़ टाइप हो जाते हैं। आज पहली बार माँ बाबा से झूठ बोला है हमने, पर अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो माँ बाबा इलाज के लिए मानेंगे ही नहीं। हम बाबा की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है भाई साहब, कि आप हमारी मदद काहे करना चाहते हैं। कमाल है, मतलब हम आपको मदद कर रहे हैं तो चुपचाप ले ना लीजिए मदद। आप आंगनवाड़ी का तो काम ही होता है ना, जरूरतमंद लोगों का मदद करना, इसीलिए मदद कर रहे हैं, और नहीं तो इसलिए। और रही बात, जो छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी गुड़िया है ना श्रवणी, इसकी चिंता विंता आप लोग मत करिए। ये हमारे संस्थान में रहेगी, मतलब आंगनबाड़ी में रहेगी, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलेगी कूदेगी, पढ़ लिख के आप लोगों का नाम रोशन करेगी, सच्ची बता रहे हैं। लेकिन हमारी बेटी क्यों रहेगी आपकी संस्था में? बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर हम इलाज के लिए जाएंगे तो हमारी बेटी हमारे साथ जाएगी। कमाल की मम्मी डैडी हैं आप लोग, कैसी बात कर रहे हैं। आप लोगों के साथ चली जाएगी तो पढ़ लिख के नाम कैसे रोशन करेगी आप सब लोगों का? हम इसका तो साल खराब हो जाएगा ना, समझते का है नहीं आप लोग? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। भगवान, हमारी पत्नी सही कह रही है। हे श्रवणी, कहीं नहीं जाएगी हमारी बच्ची, यहीं हमारे साथ ही रहेगी। जब नौटंकी हैं, माने नहीं तो इनकी खपड़िया फोड़ के बच्ची को उठा के लेके जाएंगे। मतलब नहीं मानेंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे अपनी बच्ची को। जी नहीं, मानना पड़ेगा आपको, अकेले हमारी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। आपके तो आके वापस आ जाएंगी, और हमारी पढ़ाई का क्या? ये क्या बात कर रही हो शवनी? जो सच है हम वही बोल रहे। जब आप लोगों के आंखों का इलाज हो जाएगा ना, तो आप लोग वापस लौट जाना इधर, फिर हम सब साथ में रहेंगे। नहीं, हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ठीक है, अगर आप लोग उधर नहीं जाओगे ना तो हम भी स्कूल ले जाएंगे और ना आपसे बात करेंगे। शवनी, ये कैसी बात हुई बेटा? शवनी, अच्छा ठीक है बेटा, जैसी आपकी इच्छा।
हम दोनों कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से आपकी पढ़ाई में कोनो दिक्कत आए। ठीक है, अब जाओ, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और माँ बाप का नाम रोशन करना। क्या सच में आप तैयार हैं? हाँ बेटा, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना, आप लोग दूर हैं फिर भी हम आपके पास रहेंगे। ये हुआ ना बात, अब आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। ये जो है वो आंगनबाड़ी में बाकी के बच्चों के साथ खेलेंगे कूदेंगे और पढ़ लिख के एकदम मतलब ललन टॉप बनेगी। कल आते हैं हम लेने, ठीक है श्रावणी? कल यहाँ पे केशव नेत्रा नाम के दो पेशेंट्स आए थे, बहुत जरूरी काम है, रूम नंबर बताओ। मैम इस नाम से तो कोई भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, कल तो वो यहीं थे। नहीं, कल जितने भी लोग आए थे उनकी एंट्रीज दिखाओ। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे रूल्स के खिलाफ है। एक प्यारे देवर देवरानी, गलती कर दी आपने, जो इतना हो जाने के बाद भी गोरखपुर लौट आए, इस बार तो आपका इंतजाम पक्का वाला करेंगे हम। श्रवणी, नींद नहीं आ रही क्या? हाँ माँ, वो नींद नहीं आ रही थी। मैं आप दोनों के बीच में आकर सो जाऊं? अच्छा, हाँ हाँ बेटा, अच्छा मामा, हमारे माँ बाप तो देख नहीं सकते, लेकिन तुम उनका ख्याल रखना। सुनो ओ भाई साहब, सुनो। नमस्ते ठाकुराई। ये पता जानते हो? ये तो हमको नहीं पता।
बैग मुझे दे दीजिए बाबा। नहीं बेटा, ठीक है। अरे श्रवणी बेटा, कहाँ जा रहे हो? बस अड्डे। अच्छा अच्छा, माँ बाबा का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है, चल। चढ़ा मत देना, हम आप लोग के लिए टुक टुक लेकर के आ रहे थे, आप लोग पैदल चल दिए। दूर रहो, दूर रहो। आंखें ध्यान से सामने देखकर, इधर उधर नहीं। चलो बाबू, विलंब नहीं करो, फटाक से कल्टी हो लो। चलो 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 चलो। सुनिए, इधर आई। ये पता जानती हो? अरे ये तो दो घर बाद ही है। रुको, वहां जाने से अब कोई फायदा नहीं, वो लोग अभी भी बस अड्डे के लिए निकल गए। ठीक है, अब आप ऐसा करिए, ये लीजिए पैसा 50,000 रुपये। पकड़िए पकड़िए पकड़िए, हाँ बाकी पैसा हम भिजवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलो मम्मी को लेकर चलो, आ जाओ, आइए आइए। इनको देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। बाबा बाबा, अपना ख्याल रखना, और अगर कोई भी जरूरत पड़े ना तो फोन कर देना। सही नाम रखा है पंडित जी ने तुम्हारा, एकदम श्रवण कुमार का ही रूप। अब आप परेशान नहीं हो, ये बस निकलने वाला है, फिर 1.5 घंटे तक बस मिलेगा नहीं जल्दी से, सही है ना? चलिए 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 चलिए, आइए चलो बेटा, मम्मी को लेकर के चलो, चलो आओ 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 आओ, आइए आइए, चलिए 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 चलिए, आइए आओ बेटा, मम्मी को लेकर आओ, चलिए 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 चलिए, ऊपर चलिए, हाँ आइए चलिए चलिए। बेटा अपना ध्यान रखना। भाई जी, हाँ 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 हाँ, हमारी बिटिया का ध्यान रखिएगा। अरे आप एकदम निश्चिंत रहिए भाई साहब, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम आपकी बिटिया का ख्याल बिल्कुल वैसे ही रखेंगे जैसे आप लोग रखना चाहते हैं ना, आप निश्चिंत रहिए। ख्याल रखेंगे, आप अपना ख्याल रखिएगा। अब गाड़ी चलने वाला है, ठीक है, आप लोग आराम से निकलिए, हम लेके जाते हैं इसको, ठीक है।
मालकिन घर से फोन आया है, पंडित जी पहुंच गए हैं। आज तो निकल गए पर अब की बार हाथ लगे तो वो दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आपकी कुंडली में शनि गलत जगह पे आके बैठ गया है, आपके जीवन में बुरा दौर शुरू होने वाला है। बिना माँ बनने वाली अब औलाद आएगी तो पापा जी के वसीयत का हिस्सा भी तो उनके बच्चों का ही हुआ ना, वही हिस्सा जो अब तक सिर्फ आपके बच्चों का था। श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।